हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हैवी ऑटोमोटिव मशीनरीज का चैप्टर ड्रैग लाइन को। आज हम लोग जानेंगे ड्रैग लाइन का वॉकिंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले यहाँ एक फिगर है, उसको देखेंगे और उससे समझेंगे कि ड्रैग लाइन कैसे वॉक करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है। ये फिगर में ये हो गया पहला पार्ट, इसमें ये नीचे हो गया, ये बेस और टब है और ये वाला हमारा वॉकिंग शू है। और यहाँ पर ऊपर में हम लोग देख सकते हैं ये शाफ्ट है और ये पार्ट हो गया इसेंट्रिक। ये इसेंट्रिक का सेंटर जो सर्कल है, इसका सेंटर डिफरेंट है और ये शाफ्ट का सेंटर अलग है। ये इसेंट्रिक जो है कैम टाइप का ही है, लेकिन ये राउंड शेप में होता है, कैम जो है थोड़ा सा पियर शेप में होता है। तो इसमें इंजन का पावर जब हम इस शाफ्ट में भेजते हैं तो ये शाफ्ट रोटेट करता है। रोटेट करने से इसेंट्रिक भी रोटेट करता है। जब इसेंट्रिक का ये जो बल्ज पोर्शन है ये रोटेट, सपोज इस साइड में रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में ये इधर का तरफ आएगा, इन दैट केस ये शू भी कनेक्टेड रहता है। तो शू भी थोड़ा सा फॉरवर्ड हो के ये आगे का तरफ आएगा, जो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे शू जो है ये आगे का तरफ आ गया है, इधर का तरफ आ गया है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो शू जो है इधर आ गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और ये इसेंट्रिक भी टर्न होके इस पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये रोटेट करेगा तो ये इसेंट्रिक नीचे आएगा, इसेंट्रिक का बल्ज पोर्शन, और ये शू यहाँ पर प्रेस होगा। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव कर गया है यहाँ सेंटर पॉइंट से, यहाँ से देख सकते हैं ये फिगर में ये सेंटर जो वर्टिकल लाइन है उस पर था और ये अब क्या हुआ, ये वर्टिकल लाइन से इधर आगे में बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रेशराइज्ड करेगा, ये जब इधर में डाउन पोजीशन में रहेगा बल्ज वाला, तो टोटल लोड आ जाएगा शू का ऊपर और जो बॉडी है पूरा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठ के ये भी थोड़ा सा फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। जब ये बॉडी फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, बॉडी देखेंगे हम लोग, बॉडी आगे बढ़ गया है, बल्ज पोर्शन पीछे की तरफ चला गया है और शू भी पीछे चला गया है। इस तरह से ये बॉडी पूरा थोड़ा सा आगे मूव कर गया है। तो इस तरह से ये ड्रैग लाइन जो है वॉक करता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ड्रैग लाइन का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, हाउ अ ड्रैग लाइन इज इंस्टॉलेट इंस्टॉल। ये ड्रैग लाइन एक बहुत हेवी इक्विपमेंट है, इसको हम लोग ऑन द साइड जाके जहाँ पर इसका वर्किंग है वहीं पर इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। ड्रैग लाइन का सबसे पहले इंस्टॉलेशन किया जाता है जो बेस या टब है उसका, और उसका अटैचमेंट का, अलोंग विद सेंट्रल पिन, उसका सेंट्रल पिन का भी अटैचमेंट किया जाता है। उसका बाद रिंग गियर को फिट किया जाता है सेंट्रल पिन के ऊपर, और फिर टर्न टेबल आल को, सुपर स्ट्रक्चर को उसके ऊपर में फिटिंग किया जाता है। इसके बाद जितना भी स्विंग मोटर्स, ड्रैग मोटर्स, जितना मोटर्स है, मोटर्स का अटैचमेंट है, उसका ड्रम है, वो सब का इसमें फिटिंग किया जाता है। और सुपर स्ट्रक्चर हो जाने के बाद, फिर ये मोटर्स लगने के बाद हम लोग उसका ए फ्रेम को भी लगाते हैं। ए फ्रेम लगने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बूम असेंबली को लगाएंगे, बूम का इरेक्शन करेंगे। बूम को लगाने के बाद फिर बकेट, फिर रोप्स को पास किया जाता है, रोप्स का अटैचमेंट ड्रम के साथ एज वेल एज उसका अटैचमेंट बकेट के साथ किया जाता है। और यह सब कंप्लीट होने के बाद फिर उसका लुब्रिकेशन सिस्टम,
उसमें जो जो लुब्रिकेशन या फ्लूइड्स जो जो चाहिए वो फ्लूइड्स को चेक किया जाता है, वो सारा चीज़ उसमें डाला जाता है। फिर इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के बाद जब यह काम कंप्लीट हो जाता है तो मशीन को ट्रायल रन में भेजा जाता है। अब ट्रायल रन में क्या होता है? पहला ट्रायल रन में दी मशीन जो है उसको आइडल कंडीशन में रन किया जाता है 4 to 5 आवर, और उसमें फिर कुछ इंस्पेक्शंस किया जाता है। इसमें इंस्पेक्शंस है, पहला जैसे कि प्रेशर ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का कितना प्रेशर है, फिर उसका वाइब्रेशन लेवल, व्हाट इज़ द वाइब्रेशन लेवल ऑफ दैट मशीन। थर्ड नॉइजेज, कहीं से क्या नॉइज़ आ रहा है उसका डिटेक्शन किया जाता है। उसका बाद है ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स एट आइडल कंडीशन इज ऑब्जर्व, सारा सिस्टम को बारी बारी करके ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर सब चीज़ सही रहा तो ये अबव रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन सेफ लिमिट में रहा तब मशीन को 25% लोड दे के फिर उसका वर्क कराएंगे नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए, और फिर ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, और यह ऑब्जर्वेशन सही रहेगा तो फिर 50% लोड में फिर 6 आवर्स के लिए मशीन को रन करेंगे और फिर ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ऑब्जर्वेशन सही रहेगा तो फिर 100% लोड दे के फिर अगला 2 से 3 घंटा उसको वर्क कराएंगे। ये सक्सेसफुल होने के बाद मशीन को हम लोग डिगिंग एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं यूज। अब आ गया नेक्स्ट है इसका स्टार्टिंग प्रोसीजर एंड स्टॉपिंग प्रोसीजर। मशीन को जब डेली स्टार्ट करेंगे या स्टॉप करेंगे कुछ चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्विच ऑन द मेन स्विच ऑफ द मशीन, मेन स्विच मशीन का स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मोटर्स को स्टार्ट करेंगे, पंप्स को स्टार्ट करेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम्स को चेक करेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम का अगर है उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम तो हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन करेंगे, फिर स्विंग ड्रैग होस्ट मोटर को चलाएंगे, ब्रेक्स का चेकिंग करेंगे, फिर इसको आइडल कंडीशन में 5 से 10 मिनट चलाएंगे और नोट करेंगे कोई अनयूजुअल आवाज़ तो नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन तो नहीं है, और सब अगर ठीक है तो मशीन को लोडिंग के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट है इसका स्टॉपिंग प्रोसीजर। स्टॉपिंग कैसे करना है? पहले बकेट को विदड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द फेस वर्किंग साइट, उसको रेस्ट करेंगे बकेट को इन फ्रंट ऑफ द मशीन इन द ग्राउंड, उसको हवा में लटका के बकेट को नहीं रखना है। इसके बाद स्टॉप द हॉस्ट मोटर, ड्रैग मोटर, स्विंग मोटर, हाइड्रोलिक सिस्टम, सारा चीज़, लुब्रिकेशन सिस्टम, सब स्विच को ऑफ कर देना है। स्विच द मेन स्विच, मेन स्विच ऑफ द मेन स्विच, मेन स्विच को भी ऑफ कर देना है। इसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे मशीन को, कोई लैंडस्लाइड केबिंग, कोई मट्टी धंसने का चांस नहीं है, क्योंकि ये मशीन को हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए और जो ये मट्टी है वो हार्ड ठोस मट्टी होना चाहिए, नहीं तो वेट से धस भी सकता है, इसलिए एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये ठीक है तो उस पोजीशन में हम लोग उसको स्टॉप करके रख देंगे। अब आ गया वर्किंग साइकिल ऑफ ड्रैग लाइन। वर्किंग साइकिल, सबसे पहले इसका पोजीशन करेंगे बकेट को नियर द कटिंग पॉइंट, फिर बकेट को थ्रो करके नीचे डाउन करेंगे, उसके बाद ड्रैग एंड फिलिंग द बकेट, ड्रैगिंग एंड फिलिंग, ड्रैग करेंगे सामने का तरफ खींचेंगे और बकेट को फिल करेंगे, फिर उसको होस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा बकेट को उठाएंगे जब फिल हो जाएगा, और फिर उसको स्विंग करेंगे, स्विंग करके डंपिंग पॉइंट में लाने के बाद उसको वहाँ टिल्ट करके फिर डिस्चार्ज कर दें, फिर इसको अगेन स्विंग बैक टू द नेक्स्ट कटिंग एक्शन के लिए तैयार कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वर्किंग साइकिल ऑफ ए ड्रैग लाइन। अब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे ड्रैग लाइन को सोवेल के साथ, सोवेल के साथ कंपेयर करके देखेंगे कौन सा कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले फिल फैक्टर, फिल फैक्टर ऑफ ड्रैग लाइन इज लेस देन सोवेल, मींस बकेट एक बार में कितना फिल होता है सोवेल का कंपेयर, सोवेल का बकेट एक बार में 12% ज़्यादा फिल होता है और ड्रैग लाइन का 12% कम होता है। साइकिल टाइम नेक्स्ट है,
साइकिल टाइम ड्रैग लाइन का साइकिल टाइम 10% ज़्यादा है। ये साइकिल एक साइकिल कंप्लीट करने में वर्किंग साइकिल 10% ज़्यादा टाइम लगाता है इन कंपैरिजन टू ए सोवेल। अब आ गया एप्लीकेशन एरिया। सोवेल जो है ये बहुत सारा जॉब्स को इजीली कर लेता है क्योंकि इसका साइज उतना बड़ा नहीं है ड्रैग लाइन का इतना, तो सोवेल कैन डू जॉब्स मल्टीपर्पज जॉब्स इजीली इन कंपैरिजन टू ड्रैग लाइन। अब आ गया बियरिंग प्रेशर। ड्रैग लाइन का बियरिंग प्रेशर कम है क्योंकि इसका सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विथ ग्राउंड ज़्यादा है, तो बियरिंग का ऊपर प्रेशर कम गिरता है और सोवेल में बियरिंग का ऊपर प्रेशर ज़्यादा गिरता है। नेक्स्ट है फ्लोर कंडीशन। ड्रैग लाइन को ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल फ्लोर का ज़रूरत है, वहाँ सोवेल को हॉरिजॉन्टल फ्लोर नहीं भी होगा तो ये अपना काम कर सकता है। रीच नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है। रीच ऑफ ड्रैग लाइन इज मच मोर देन ऑफ ए सोवेल। ड्रैग लाइन का रीच ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोवेल। ड्रैग लाइन ज़्यादा लंबा बूम के कारण इसका सामान तक पहुँचने का क्षमता ज़्यादा है। और ड्रैग लाइन नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रैग लाइन कैन डिग मच बिलो इन कंपैरिजन टू ए सोवेल। तो उसके बाद है नेक्स्ट है कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस बाय अबाउट 18% इन ए ड्रैग लाइन। मेंटेनेंस का ड्रैग लाइन में बहुत ही कम है, 18% कम है इन कंपैरिजन टू सोवेल। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर जो है सोवेल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन में मेंटेनेंस फेलियर का भी मेंटेनेंस कम है। और आउटपुट जो है सोवेल का 20% ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ड्रैग लाइन। सोवेल बहुत जल्दी जल्दी काम करके और आउटपुट हम लोगों को 20% ज़्यादा दे सकता है। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है सोवेल का 10% यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोवेल 10% कम है इन कंपैरिजन टू ए ड्रैग लाइन। सोवेल कम पैसा में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रैग लाइन चैप्टर और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।